सुप्रभात। मैं कल क्लास 8 का पीडीएफ बनाकर कुछ प्रश्नों का उत्तर दिया था। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीडीएफ के साथ साथ आप लोगों को वीडियो भी उपलब्ध करा दूँ। देखिए, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है क्या, तो मनुष्य सबसे पहले जब इस पृथ्वी पर जहाँ तहाँ झुंडों में रहते थे तो वे फसल के बारे में कुछ नहीं जानते थे और अपने साथियों से छिपाकर कुछ बीजों को रखते थे मिट्टी के अंदर, चट्टानों के नीचे। और जब बाद में पता चला कि यहाँ पर हम बीज खाने के लिए छिपा कर रखे थे और वहाँ पर गए तो उनको पौधे दिखाई दिए, बीज और फल गायब था। इस प्रकार उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई फसल उगाने के लिए और आस्ते आस्ते उन्होंने फसलों को उगाना शुरू किया और फसल उगाकर अपनी जीविका चलाते थे। आज हमारा देश कृषि प्रधान देश है और मुख्यतः हम लोग फसल पर ही आश्रित हैं, इसलिए फसल उत्पादन और उसके प्रबंधन में हर भारतीयों का कर्तव्य बनता है कि जानकारी है। अब हम आ रहे हैं प्रश्न संख्या 6 पे। पुनः रोपण विधि से किन फसलों को लगाया जाता है, तो पुनः रोपण विधि का अर्थ होता है कि पहले हम किसी भूमि के विशेष भाग में बीजों को लगाते हैं और जब उससे शिशु पौधे यानी कि नवोदगी उत्पन्न होते हैं तो फिर उनमें से स्वस्थ पौधों को निकालकर किसी दूसरे स्थान यानी कि दूसरे भाग में लगाते हैं, तो इसे पुनः रोपण विधि कहते हैं। तो पुनः रोपण विधि में धान, टमाटर, गेहूं, बैंगन आदि फसल लगाया जाता है या किसी बीज को पहले लगाया जाता है, जब छोटे पौधे होते हैं तो फिर वहां से निकाल कर दूसरे स्थान पर लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 7, राइजोबियम जीवाणु कहाँ पाए जाते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु जो होते हैं यह मुख्यतः दलहन पौधे की जड़ों में पाए जाते हैं, किंतु खासकर यह दलहन पौधों में जो मटर पौधे हैं या मटर फूल के जो पौधे हैं उनकी जड़ों में छोटे छोटे गांठ होते हैं, उन गांठों में ये राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, ह्यूमस क्या है, तो ह्यूमस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जो मिट्टी में मिला हुआ होता है, अर्थात जब पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की वृद्धि होती है तो अपघटन की क्रिया जब होती है तो वे मिट्टी में मिल जाते हैं और वह मिट्टी काफी उपजाऊ हो जाती है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, अर्थात मिट्टी में जब मृत पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के अवशेष मिल जाते हैं तो उसे ह्यूमस कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, इन्हीं तीन खरपतवार के नाम लिखे, तो खरपतवार होता क्या है, तो पहले खरपतवार के बारे में समझें। फसली पौधों के साथ साथ कुछ अवांछित पौधे खेतों में उगाते हैं जो फसली पौधों के साथ प्रतियोगिता कर पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें धूप और हवा से वंचित कर देते हैं जिससे फसलों का विकास अच्छा से नहीं होता। इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। तो जैसे हम लोग देखे होंगे कि धान के फसल जब हम लगाते हैं तो उसमें मोथा घास आ जाता है, तो मोथा क्या है, खरपतवार। तो आप इस तरह से कोई भी तीन खरपतवार का नाम लिख सकते हैं जिसमें हम आपको लिख कर बताए हैं मोथा, दूध और चौला। धन्यवाद। फिर अगले दिन आगे जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर मैं दूंगा।